हाँ जी पता है, आ रहा है लोगों को वक्त जाया करने, संडे खराब करने, ऐसी धूल गर्मी में लोगों को ख्वार करेगा, होना तो है कुछ नहीं इस मुल्क में, बट टाइम जाया करने आ रहा है। लेकिन वो हमें तो इस मुल्क का मुस्तकबिल है और हमें इसकी बेहतरी के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। ओ बेटा एफर्ट तो करनी चाहिए, लेकिन एफर्ट का कोई तरीका होता है ना, ऐसी शोर एहतसाब एहतसाब का नारा लगाया हुआ है, क्या है इस मुल्क में कभी किसी का एहतसाब हुआ है? चोर आजाद दंदनाते फिर रहे हैं आज से नहीं 70 साल से फिर रहे हैं, ऐसी नारा लगा के लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं एहतसाब करो एहतसाब करो, वो इस मुल्क में कुछ नहीं होना। लेकिन बाबा चोर को चोर कहना गलत बात नहीं है और चोरी करना अच्छी बात नहीं है। ओ बेटा चोर को चोर कहना गलत बात नहीं है, लेकिन देखो जिस मुल्क में हुक्मरान चोर हो, जिस मुल्क में बड़े चोर हो, तो उसमें किसी को कोई क्या कह सकता है? देखो ना, जो जिसने इंसाफ देना है, अगर वो ही खुद चोर निकला है तो मुझे बताओ कि किसी को इंसाफ कैसे मिल सकता है? देखो ना, अगर सारे बड़े आपस में मिले हों और एक दूसरे को बचा रहे हों, एक दूसरे को तहफ्फुज़ दे रहे हों, हैं जी प्रोटेक्ट कर रहे हों, एक दूसरे की चोरी को छुपा रहे हों, तो बेटा अच्छाई की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग बच्चे हो ना, आप लोग को पता नहीं है। और याद रखी, लेकिन तूने नहीं करनी, तूने की तो मैं लिप्तर परेड ला देनी है। नहीं नहीं बाबा, हम जाएंगे और हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। अच्छा, अब बच्चे हो, कहते हैं जी बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर इन बच्चों को समझ आ गई है कि इस मुल्क की बका एहतसाब और इंसाफ में है, तो मैं कौन होता हूँ इनको रोकने वाला? मैं तो इनका साथ दूंगा, इनको लेकर जाऊंगा, इस मुल्क के लिए जद्दोजहद, इस मुल्क के लिए कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह हम सब मिलके एक बेहतरीन, एक अजीम पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें हमारे बच्चों को इंसाफ और एहतसाब और खुशहाली नसीब होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।